आजकल जो कंपाउंड है वो है BaSO4। ये कंपाउंड में दो नहीं तीन एलिमेंट का यूज हुआ है, एक तो पहला बेरिलियम, दूसरा है सल्फर, देन है ऑक्सीजन। क्या एलिमेंट से ही क्या फॉर्मूले बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, बट एलिमेंट के बाद भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है आयन। आयन क्या होता है वो देखिए, आयन पॉजिटिव एंड नेगेटिव में डिवाइड होते हैं, प्लस एंड माइनस में। बी ए क्या है? पॉजिटिव है। जो ये पार्ट को क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। ये क्या हो गया? सल्फेट। यही डिवाइड करना आपको सीखना है, तभी आप क्या कर सकते हैं? नेमिंग कर सकते हैं। ये क्या हो गया? प्लस का 2, ये होता है माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? BaSO4 आएगा। ये तो हो गया क्या फॉर्मूला बनता कैसे, बट इसका जो नेमिंग करते हैं वो क्या करते हैं? बेरिलियम क्या होगा? बेरिलियम सल्फेट। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपको बेहद आसान तरीके से आपने इसका नाम लिखना सीख लिया। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आयन। जब तक आपको आयन के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तब तक आप नेमिंग भी नहीं कर सकते, केमिकल फॉर्मूले भी नहीं कर सकते, उसे केमिस्ट्री आपकी काफ़ी पुअर भी रहेगा। तो आज से और अभी से आप आयन के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो वैल्यूज है उनको याद जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।